गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में सबसे पहले लाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइम या चूना, आप सब ने अपने नियर बाय इसका यूज़ देखा है कंस्ट्रक्शंस में, मेनली बिल्डिंग्स में, और ये बहुत आसानी से हमें यूज़ किया हुआ या हमें दिख जाता है नियर बाय। तो बेसिकली चूना है क्या? ये एक तरीके का बंधक है, एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि बहुत काम में लिया जाता था कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। सीमेंट, आजकल सीमेंट ज़्यादा काम में लिया जाता है, लेकिन जब सीमेंट नहीं था, सीमेंट तो एग्जिस्ट में आया है 1824 में, उससे पहले चूना एकमात्र सबसे स्ट्रेंथ का एक बाइंडिंग मटेरियल था। और आज भी आप पुरानी बिल्डिंग्स देखेंगे, फोर्ट है, मॉन्यूमेंट है, पुरानी हवेली हैं, उन सब में आप देखेंगे कि स्टोन मेसनरी की दीवार हो, चाहे कोई लाइट कंस्ट्रक्शन वर्क हो, सब में चूना यूज़ में लिया हुआ है। तो बेसिकली चूना अभी भी काम में लिया जाता है, लेकिन अब सीमेंट ने चूने को बहुत हद तक रिप्लेस कर दिया। हैवी स्ट्रक्चर्स में चूना कम काम में लेते हैं या नहीं लेते हैं, बट स्टिल अभी भी रूरल एरियाज़ में, जहाँ कम हमारा एक्सपेंडिचर टारगेट है, वहाँ पे अभी भी लाइम को काम में लिया जाता है। तो लाइम बेसिकली है क्या एक केमिकल फॉर्मेशन में? ये एक लाइमस्टोन, जो सेडिमेंटरी रॉक्स से लाइमस्टोन निकलता है, उस लाइमस्टोन से हम इसको प्रोसेस करके और पाउडर्ड फॉर्म में प्राप्त करते हैं। और नेचुरल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में रहता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सीमेंट से पहले, जैसे कि हमने कहा कि लाइम सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता था, पर अभी भी गाँव में, रूरल एरियाज़ या हिली एरियाज़, पहाड़ी इलाके जहाँ सीमेंट अवेलेबल नहीं है, वहाँ अभी भी ये बहुत हद तक काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। लाइम को बेसिकली हम तीन पार्ट में क्लासिफाइड, या तीन इसके प्रकार हैं। पहला है क्विक लाइम, दूसरा हाइड्रेटेड लाइम, और तीसरा हाइड्रोलिक लाइम। सबसे पहले क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म है, वही क्विक लाइम है। और इसको इसको हम फैट लाइम बोलते हैं, जनरली आप लोगों ने सुना होगा फैट लाइम के फॉर्म में इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है 93% इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसके वेट का, और कुछ इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और कुछ पार्ट क्ले भी होती है, क्ले जो हम जानते हैं मिट्टी, लेस देन 5% के करीब होती है। क्योंकि सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड तो नेचुरली हमको मिलेगा नहीं, कुछ उसमें और भी कंटेंट रहेगा, बट मेजर कंटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जो क्विक लाइम है वह शेपलेस होता है, वाइट मटेरियल है, लेकिन इसका जो नेचर है वो कॉस्टिक नेचर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाटर के साथ में तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये मैंने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। वहीं अगर इसको वाटर भी मिल जाए, मॉइस्चर, मॉइस्चर जैसे एनवायरनमेंट में है या कहीं और, अगर एनवायरनमेंट में भी अवेलेबल है उससे भी हो जाता है, और अगर वैसे हम वाटर ऐड कर दें या कहीं से उसको वाटर की, वाटर कंटेंट मिल जाए, तो भी वो तो तुरंत रिएक्ट कर ही जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अगेन कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो कि इसकी सेटिंग स्टेट है, सेट हो जाता है उसमें, हार्डन स्टेट है वो। नेक्स्ट हमारा हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम ये वह लाइम है जिसमें कि सफिशेंट क्वांटिटी में हम अगर इसमें वाटर ऐड कर दें, सफिशिएंट क्वांटिटी मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है, उतना जो हमारा फैट लाइम है उसके अंदर अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में, और हम उसको कंप्लीटली हाइड्रेट कर देते हैं, तो वो हाइड्रेटेड लाइम हो गया।
तो जब हम वाटर के साथ हमने रिएक्ट किया था तो क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रेटेड लाइम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फाइन पाउडर फॉर्म में होता है। अब जब वाटर इसमें ऐड हो गया तो ये हमारे लिए रेडी टू यूज़ हो गया। कभी भी हम क्विक लाइम या फैट लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में डायरेक्ट हम कंस्ट्रक्शन में काम में नहीं लेते हैं, उसको पहले हाइड्रेट किया जाता है। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा, पानी मिलाते हैं, झाग निकलते रहते हैं और वो चूने को घोला जाता है, घोल तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से उसको पहले हाइड्रेट किया जाता है। तो हाइड्रेटेड लाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही उसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है, तो वो पाउडर फॉर्म में जब आता है हाइड्रेटेड होता है वो, मतलब वो रेडी टू यूज़ होता है। दूसरा हमारा हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वह डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो क्ले कंटेंट है वह ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फैट लाइम। फैट लाइम में क्ले कंटेंट 5% के करीब था, इसमें 30% के तक क्ले कंटेंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा। हाइड्रोलिक लाइम की प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी है। हाइड्रोलिसिटी का क्या मतलब होता है? हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी से मतलब है कि ये बिना वाटर और एयर की एब्सेंस में भी सेटल हो सकता है, जो फैट लाइम और हाइड्रेटेड लाइम में नहीं होता है। तो ये इसकी हाइड्रोलिसिटी क्वालिटी है, मेन कंटेंट इसका ये है। तो एब्सेंस ऑफ वाटर, सॉरी अंडर वाटर और एब्सेंस ऑफ एयर में भी ये सेट हो सकता है। नेक्स्ट, BIS क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम एज पर BIS स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आप सब जानते होंगे, जिन स्टैंडर्ड्स के आधार पे सब जगह किसी भी मटेरियल को यूज़ किया जाता है उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे बनाया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिक आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इस आधार पे जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला लाइम है उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बिल्डिंग लाइम्स, बिल्डिंग्स में जो यूज़ होता है, ए से लेके एफ तक इसकी कैटेगरीज हैं। क्लास ए कैटेगरी है, ये हाईली हाइड्रोलिक लाइम होता है। तो इसमें वाटर कंटेंट, इसकी जो वाटर के अंडर में सेट होने की और एब्सेंस ऑफ एयर में सेट होने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये जल्दी सेट हो जाता है। तो ये कैटेगरी हमारी हो गई क्लास ए, बहुत जल्दी सेट होता है, स्ट्रेंथ जल्दी कवर करता है। देन क्लास बी कैटेगरी, क्लास बी कैटेगरी सेमी हाइड्रोलिक है। तो ये मैसनरी मोर्टार्स में, लाइम कॉन्क्रीट में और प्लास्टर में काम में आता है। क्लास सी कैटेगरी, ये फैट लाइम है जो फिनिशिंग कोट के तौर पे काम में आता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, चूने का कवर किया जाता है, प्लास्टरिंग की जाती है, वाइट वॉशिंग की जाती है, वहाँ पे ये काम में आता है। और इसमें पोजोलैनिक मटेरियल्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं। क्लास डी कैटेगरी, ये डोलोमाइटिक या मैग्नीशियम लाइम होता है जो अगेन फिनिशिंग कोट के तौर पे या वाइट वॉशिंग के तौर पे काम में लिया जाता है। क्लास ई जो है ये कंकर लाइम के नाम से जाना जाता है और ये मैसनरी मोर्टार्स में काम में लिया जाता है। मैसनरी जब हम, जैसे स्टोन मैसनरी है या ब्रिक मैसनरी है, ब्रिक की दीवार बना रहे हैं या स्टोन की बना रहे हैं, तो उसमें काम में लिया जाएगा। क्लास एफ, ये सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम है जो कि अंडर कोट या फिनिशिंग कोट पर प्लास्टर में काम में लिया जाता है। जैसे प्लास्टर में अगर इसकी फर्स्ट प्राइम कोट करी उसमें काम में आ गया या फिर फिनिशिंग कोट में काम में आता है। तो ये आपकी 6 कैटेगरीज हैं BIS स्टैंडर्ड के द्वारा सेट की हुई। थैंक यू।